बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 2.7 सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.6 तक आपने तमाम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े। 2.7 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आर द रिवीजन ऑफ एक्सरसाइज फ्रॉम 2.1 टू 2.6। हम इनमें से अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 4 सॉल्व कर लेंगे और न्यू क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आर योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 1/3 पावर मल्टीप्लाइड बाय 36 टू द हाफ पावर। जब भी हमारे पास फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट होते हैं तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर वैल्यू को सिंपलीफाई करते हैं। तो उसके लिए हम 36 और 8 के ऑल फैक्टर्स लेंगे। एक के फैक्टर्स हमारे पास है 2 क्यूब। 2 क्यूब मीन 2 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स इक्वल्स टू आंसर इज 8। होल एक्सपोनेंट है हमारे पास 1/3। 36 के या तो ऑल फैक्टर लेंगे या हमें अगर क्लियर हो रही किस वैल्यू का स्क्वायर रूट है तो हम डायरेक्टली वो वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि 1/2 स्क्वायर रूट की वैल्यू है। तो हमारे पास 36 6 का स्क्वायर रूट है तो हम 6 ले लेते हैं। 6 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/2। पावर टू पावर मीन मल्टीप्लाई। जब भी इस फॉर्मेट में दो पावर दी जाए तो उन दो ऑर्डरली मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे हम इसको 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 6 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से 3 से सिंपलीफाई हो जाएगा या 6 का स्क्वायर भी 2 से सिंपलीफाई हो जाएगा। आपके पास वैल्यू है 2 मल्टीप्लाइड बाय 6। 2 6 12 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 81 मल्टीप्लाइड बाय 8 टू द माइनस 8 पावर z टू द 4th पावर होल टू द 1/4। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट में मौजूद वैल्यूज के फैक्टर लेंगे। 81 के फैक्टर आ जाएंगे और जब भी हमारे पास इस तरीके से ब्रैकेट के ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट दिया जाए इसका मतलब यह है कि ब्रैकेट में मौजूद तमाम वैल्यूज का एक्सपोनेंट है। तो सबसे पहले हम 81 के फैक्टर ले लेंगे और उसके बाद 1/4 तमाम ब्रैकेट में मौजूद वैल्यूज के ऊपर पुट कर देंगे। तो 81 के फैक्टर है 3 टू द 4th पावर एक्स टू द माइनस 8 जेड टू द 4 होल एक्सपोनेंट है 1/4। अब होल एक्सपोनेंट ब्रैकेट में मौजूद तमाम वैल्यूज पर पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 टू द 4th पावर मल्टीप्लाइड बाय 1/4 एक्स टू द माइनस 8 पावर मल्टीप्लाइड बाय 1/4 जेड टू द 4th पावर मल्टीप्लाइड बाय 1/4। यहां 4 से कैसे हो जाएगा 4 1 द 4 4 2 द 8 4 1 द 4 एंड 4 1 द 4। तो हमारे पास एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू होगी 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू द माइनस 2 पावर मल्टीप्लाइड बाय जेड। जब भी हमारे पास कोई भी एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए हम उसकी प्लेस चेंज कर देते हैं। यानी अगर वो डिनोमिनेटर पे है तो हम उसको न्यूमरेटर प्लेस ले जाएंगे और अगर वो न्यूमरेटर प्लेस के ऊपर है तो हम उसको डिनोमिनेटर प्लेस ले जाएंगे। अभी एक्सपोनेंट एक्स टू द माइनस 2 पावर न्यूमरेटर प्लेस पे है तो हम इसको डिनोमिनेटर प्लेस के ले जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू होगी 3 जेड ओवर एक्स स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है 27 टू द 2n/3 मल्टीप्लाइड बाय 8 टू द माइनस n/3 डिवाइडेड बाय 18 टू द माइनस n/2। जब भी फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट दिया गया हो तो हमें फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर वैल्यू को सॉल्व करना होता है। तो हम बेस वैल्यू के ऑल फैक्टर्स ले लेंगे।
27 के ऑल फैक्टर्स हैं पी क्यू। हम तमाम फैक्टर्स को लिख देते हैं ताकि उसको समझने में जरा आसानी हो। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 थ्री इज़ 9, 9 थ्री इज़ 27, 4 टू द पावर 2 एंड ओवर 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 के ऑल फैक्टर्स 2 टू द 4, 4 टू द 8 हमारे पास आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 टू द माइनस 10 ओवर 3। डिवाइडेड बाय 18 के ऑल फैक्टर्स 2 थ्री इज 6, 6 थ्री इज 18 हमारे पास फैक्टर होंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 टू द माइनस n ओवर 2 पावर। एज द लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, द बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स को प्लस कर दिया जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास वैल्यू होगी 3 क्यू 4 टू द 2n ओवर 3 पावर। इसी तरीके से 2 क्यू 4 टू द माइनस n ओवर 3। अब डिनोमिनेटर टेस्ट के ऊपर हमारे फैक्टर सेम नहीं है, तो जो दो फैक्टर सेम है हम उनकी क्या कहते हैं पावर को प्लस कर लेंगे। ये 3 स्क्वायर आ जाएगा, 3 स्क्वायर पे माइनस n ओवर 2 अलग से प्लेस कर दिया जाएगा, या फिर 2 पे माइनस n ओवर 2 अलग प्लेस कर दिया जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह होगी 2 टू द पावर माइनस n ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस n ओवर 2। पावर टू पावर में मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट स्टेज पे हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास वैल्यू होगी 3 क्यू मल्टीप्लाइड बाय 2 एन ओवर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यू मल्टीप्लाइड बाय माइनस एन ओवर 3। इसी तरीके से डिनोमिनेटर केस के ऊपर 2 द पावर माइनस एन ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस एन ओवर 2। 3 3 से सिंपलीफाई हो जाएगा, इस तरीके से 2 का क्यूब भी 3 से सिंपलीफाई हो जाएगा और 3 का स्क्वायर भी 2 से सिंपलीफाई हो जाएगा। सिंपलीफाई होने के बाद आपके पास जो वैल्यू रिमेनिंग वैल्यू है वो कुछ इस तरह है, 3 टू द पावर 3 टू द पावर 2 एन मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर माइनस एन ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर माइनस एन। हमने लॉ में पढ़ा कि अगर बेस सेम हो तो हम एक्सपोनेंट को प्लस कर दिया कर देते हैं, अगर बेस सेम और वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम एक्सपोनेंट को प्लस कर देते हैं, लेकिन अगर बेस सेम और वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो डिविजन के एक्सपोनेंट में से डिवाइजर का एक्सपोनेंट माइनस कर दिया जाता है। तो यहां पर हमारे पास बेस सेम 3 टू द पावर 2 एन और डिनोमिनेटर केस के ऊपर है 3 टू द पावर माइनस एन। तो सबसे पहले हम बेस सेम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह होगी 3 टू द पावर 2 एन, जब डिवाइजर का एक्सपोनेंट आपके पास डिविजन का एक्सपोनेंट माइनस 2 एन है जबकि डिवाइजर का एक्सपोनेंट माइनस एन है। हमने कहा कि अगर बेस सेम हो तो डिविडेंड के एक्सपोनेंट में से डिवाइजर का एक्सपोनेंट माइनस कर दिया जाता है, या हम इसको दूसरे फॉर्म में इस तरह कह सकते हैं कि जब बेस सेम और कोई भी वैल्यू अल्टरनेट बेस पे शिफ्ट की जा रही हो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो अपने अल्टरनेट कहते हैं साइन के साथ शिफ्ट की जाती है। तो यहाँ पे माइनस एन को जब हम न्यूमरेटर केस पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास प्लस एन हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास बेस सेम 2 इसकी एक्सपोनेंट है माइनस एन ओवर 2, माइनस एन को जब न्यूमरेटर केस पे से डिनोमिनेटर केस पे शिफ्ट करेंगे
तो आपके पास माइनस एन प्लस एन हो जाएगा। थ्री प्लस टू एन प्लस एन, टू एन में जब हम एन प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी थ्री एन ओवर टू प्लस माइनस एन नंबर टू प्लस एन। जब भी फ्रैक्शनल वैल्यू और डिनोमिनेटर में प्लस या माइनस का साइन हो तो वेरी क्लियर हमें इसी सूरत में एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, टू एलसीएम होगा, टू और वन का एलसीएम टू होगा, टू वन टू माइनस एन एवरीथिंग आ जाएगा। जब हम उसे वन से मल्टीप्लाई करेंगे, वन को जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर वन होगा, आंसर सही टू होगा। तो टू को जब हम एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी टू एन, राइट। यहाँ पर आपके पास माइनस एन और टू एन सिंप्लीफाई होगा तो माइनस एन से जब टू एन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एन ओवर टू वैल्यू आएगी थ्री टू द पावर थ्री एन ओवर टू टू द पावर एन ओवर टू इज अवर आंसर। आज के लिए इतना ही, हमने आज एक्सरसाइज 2.7 में क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 सॉल्व किया। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने सॉल्व किया गया है, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, ये आज खुद सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 टू 8 सॉल्व करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।